कपड़ा पहनेंगे उसके बाद चलेंगे। तो हम लोग अब नहा धो के तैयार हो चुके हैं, सारे अब निकलने वाले हैं सतलुज छठ छठ के लिए। चलते हैं, आप लोग को भी ले चलते हैं। चलिए, तो ये लोग निकल चुके हैं। हम देख रहे हैं खेत, हरियाली पे हरियाली छाया हुआ है, पूरे एकदम मस्त है। सब एकदम टाटा बाय बाय कर रहे हैं, पूरे हरियाली छाई हुई है। हाय हाय, अब चल रहे हैं आगे घाट पे, दिखाते हैं क्या कुछ सीन होता है, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे उसकी महिमा छठ मैया का। चलिए, सारे निकल चुके हैं, हम पीछे पड़ गए हैं यार, लोग रुकता ही नहीं। जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी भीड़ लगने वाली है रोड पे बहुत ज्यादा, देख सकते हैं कि जाम होने वाली है, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। काफी ज्यादा जाम है, जाम ही जाम लगा हुआ है, आगे धूल ही धूल है। तो हम लोग भी अब पहुंच चुके हैं, आगे अब चल रहे हैं घाट पे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कैसे किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ लग चुकी है, अब आगे हमारे कितने भीड़ लग चुकी है, सारे अब चल रहे हैं। अब आगे दिखाते हैं आप लोगों को पूरी नजारे। तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यार छठ घाट में, सब गाड़ी यहीं लग रही है, कुछ आगे चल रहे हैं इधर से, तो चलते हैं हम लोग भी। तो हम फाइनली अब पहुँच ही चुके हैं, अब दरिया कुछ देर में दिखाई देंगे, प्रशासन यहाँ भी है, आगे देखें। बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है यार, देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा भीड़ है, हमारे पीछे भी। बहुत तकलीफ से जा रहे हैं। तो यहाँ छठ का मेला लग चुका है यार, बताओ यार, छठ हम लोग घर पे मनाते हैं, इधर पूरे मेला जमा दिया है, ये पंडाल बनाया हुआ है जिसमें प्रोग्राम होगी रात को। पूरा मेला दिखाई दे रहा है यार, पूरे मेले की तरह हम चाट छोले छोले भटूरे। चलिए आगे, और बहुत भीड़ है, इधर चलेंगे देखते हैं क्या कुछ होता है। पानी तो अभी बहुत है, बहुत ज्यादा पानी यार। अंदर गोदाम में मत किसी को जाने दीजिएगा, छबीलाल जी जो गोदाम अभी दिन जगा हुआ है। तो पहुंच चुके हैं, हमारे सामने नेपाली भाई आ गए हैं सारे, और एक एक कहाँ गया, अच्छा। अभी बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाले हैं यार, देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। कृपया यहाँ पर जाकर के मिलने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच हमारे कलाकार विनोद कुमार एंड पार्टी छठ मैया का गुणगान रात के 9 बजे तक करेंगी, और 9 बजे से सारी रात। तो हम लोग अब आ ही चुके हैं, बहुत ज्यादा क्राउड है यार, धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, सामने देख सकते हैं बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रहा है। और भाई सारे नदी में खड़े हैं, देखते हैं उस पत्थर पे जाने का कोशिश करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं।
तो हम लोग आ चुके हैं हम छठ के घाट पे, लेकिन आप देख सकते हैं अभी दिन डला नहीं है, अभी है जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक है भीड़। सामने आए हुए हैं सारे काफी ज्यादा भीड़ हो चुका है यार, बहुत ज्यादा इंसान का पक्का हिला दिया। बताओ यार इतना ज्यादा भीड़ है, पीछे देखिए पूरे मेला लगा दिया है, आगे भी है, पूरा मेला है यार। अब दिन ढलने वाली है, अब अर्घ होगा, सामने दिखाई दे रहा इधर भी है, बहुत दूर तक है। तो अब शाम होने वाली है, दिन ढलने वाली है, तो सूर्य का अर्घ होगा। पूरा धूल भर गया है, इतना पटाखा जलाया कि इसका जवाब पूरा धुआं धुआं आर को अब शुरू हो चुका है, दिन ढल गई है। अब धीरे धीरे आर को देंगे सूर्य को, कुछ उधर दे रहे हैं। पानी में घुसते थोड़ा धक्का मारेगी क्या ये? धीरे धीरे करके सभी घर जा रहे हैं। अब आगे दिन ढल चुकी है, अब शाम हो चुका है, अब फिर सुबह होगा जो होना होगा। अब ये सारे नाच प्रोग्राम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब जाएंगे घर, थोड़ी देर प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद चलेंगे घर। तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम दिखाएंगे। नदी देख सकते हैं कितनी बड़ी है, लोग दिया जला के घाट पे गए हैं। रामचरित्र मानव के कई तेलु रचना तुलसी के जप कलम मां सम बलियो उल्टी करा बे मां राम 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 बोल गए विनोद कितना पाला सुनी है मैया शारदा भवानी बीना के बजैया
यार का लंगर कितना बड़ा लगा हुआ छट के सुबह अक्षत पे पूरी बन रहा है पकौड़ा आलू है अंदर इधर लगे बहुत बड़ा भंडारा है यार पानी का व्यवस्था भी किया गया है इधर होटल बाथरूम सब है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।